को विकास से प्यार तो था, पर वो शादी करके उसके साथ गांव में नहीं बसना चाहती थी। मुझे गांव अच्छा लगता है, पर दिक्कत यही है कि मैं वहां रह नहीं पाऊंगी। मुझे वहां के माहौल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अरे माहौल में ढल जाओगी तुम, थोड़ा टाइम तो लो। और विकास गांव में ही रह के ऑर्गेनिक खेती करता है, इतना अलग काम है। और यहाँ शहर में क्या है, कितना प्रदूषण और भीड़ है यहाँ। पर विकास यहाँ आके भी तो खेती कर सकते हैं ना। अरे शहर में एक प्लॉट लेने में जिंदगी भर की कमाई चली जाती है, खेत कैसे लोगे? सोच ले निधि, विकास गांव का है, वहीं उसका काम भी है। तेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है, ना ही तुझे कभी काम करना था। ओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे अकेला छोड़ दो। उसी दिन निधि विकास से मिलती है। यार मेरे सारे दोस्त यहीं हैं। अरे दोस्त तो गांव में भी बन सकते हैं ना निधि। गांव के लोगों से कैसे दोस्ती कर पाऊंगी? मैं भी तो गांव का हूँ, मुझसे प्यार हो सकता है तो वहाँ के लोगों से दोस्ती भी हो ही सकती है ना। अरे यार कंफ्यूजन है बहुत। सोच लो निधि, शादी के मंडप पे छोड़ के मत जाना, वरना दोनों के परिवार की नाक कट जाएगी। अभी बोल दो, पत्रिका नहीं छपाते हैं। निधि के पास तो कोई चारा नहीं बचा। वो विकास से इतना प्यार करती है कि उसे छोड़ भी नहीं सकती। वो विकास के लिए गांव में शादी करके बसने को तैयार हो जाती है। जल्द ही दोनों की शादी हो जाती है। आई होप तुमको गांव में अच्छा लगेगा। मुझे पता है गांव में और शहर में अंतर क्या है, वहां के लोगों की सोच में अंतर है। मुझे पता है कि कैसा लगेगा मुझे। तुम ये बिना देखे किसी चीज के बारे में कुछ भी सोचने की आदत छोड़ दो ना। निधि ने उस वक्त तो कुछ भी नहीं कहा, पर वो सोचती है कि सबको इस बात का एहसास तो करवाना ही पड़ेगा कि वो सही है। उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने सोचा कि गांव के लोगों के लिए वो ऐसा काम करेगी कि आगे से उसे कोई किसी काम का बोलेगा ही नहीं। शादी के एक दिन बाद निधि की सास ने फरमाइश की। निधि बेटा अपने हाथ से कुछ खाने का बना दे। बिल्कुल सासू माँ, थोड़ा सा रुकिए, अभी बनाती हूँ। ये सही मौका था निधि के पास ये बताने का कि गांव के लोगों और उसके रहन सहन में कितना अंतर है। रोटी सब्जी दलिया भाजी खाने वालों के लिए पिज्जा बना देती हूँ, तब इनको समझ में आएगा। न खा पाएंगी न कभी कुछ बनाने की बात कहेंगे। थोड़ी देर में निधि सास के लिए पिज्जा बनाकर ले आती है। ये लीजिए माँ जी, आपके लिए मैंने ये बनाया है, इसे हम शहर में पिज्जा कहते हैं, है ना बेटा? है? आपको कैसे पता कि इसे पिज्जा कहते हैं? अरे पिज्जा को पिज्जा नहीं बोलेंगे तो क्या फ्रेंच फ्राइज कहेंगे? गांव की सास से ये सारी बातें सुन के बहू चौंक जाती है, लेकिन सास एक और ऐसी बात कहती है कि बहू जिसकी उम्मीद ही नहीं कर रही होती है। बहू इस पिज्जा के ऊपर ओरेगानो मिला दे और थोड़ा चिली फ्लेक्स, मजा आ जाएगा। माँ जी गांव में रह के भी आपको ये सब कैसे पता है? अरे यूट्यूब टीवी सब खबर रखते हैं हम भी, इंटरनेट है जहाँ, जानकारी है वहाँ। अरे वाह माँ जी। अरे अभी वहाँ मत बोल, अब जब मैं पिज्जा का फोटो लेके फेसबुक पर डालूंगी ना तो वहाँ कमेंट में जाकर वहाँ बोलना, ठीक है? ठीक है माँ जी। अरे ठीक है माँ जी की जगह ओके मम्मी या ओके मम्मा बोल दिया करना। है ठीक है, मतलब ओके मम्मा। निधि का तो सर ही घूम जाता है, इतना शहरी बर्ताव तो शहर में रहने वाली निधि की माँ का भी नहीं था। वो शाम को अपने पति से पूछती है, विकास तुम्हारी मम्मी तो काफी कूल है यार, पिज्जा में क्या डालते हैं, फेसबुक पर क्या डालते हैं, सब कुछ पता है उन्हें तो। हमारे बड़े पापा के लड़के रहते हैं शहर में, बस उनके बच्चे आए थे गांव में गर्मी की छुट्टियां मनाने, उन्होंने माँ को एकदम शहरी बना दिया। उनका फेसबुक अकाउंट भी है, इंस्टाग्राम भी है और टिकटॉक बैंड हो गया, वरना वो भी बनाती थी। तभी सास वहां आ जाती है। अरे निधि
मैं तुझे टैग नहीं कर पा रही हूँ, जरा मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट तो कर दे। निधि की गांव को लेकर जो राय थी वो अपनी सासू माँ को देख के बिल्कुल बदल जाती है। और अब निधि भी सोशल मीडिया पे अपनी सास के साथ लाइव आती है और कमेंट बाजी भी करती है ताकि सबको पता चले कि गांव में रह के भी उसका जीवन शहर जैसा ही है और उसके आसपास के लोगों के अंदाज भी एकदम शहरी है।